प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 का पहला यूनिट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स को देखेंगे। इस यूनिट में पहला चीज हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां R का मान 0 या 0 से अधिक और B से कम है। तो यह इसका परिभाषा है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, अब इसको हम प्रैक्टिकली ढंग से समझते हैं। जैसे सपोज जब हम 5 से 17 में भाग देते हैं तो 3 मरतबे लगेगा 15 और शेष फल आ जाएगा 2। आप यह जानते हैं कि यह 5 कहलाता है भाजक और यह 17 कहलाता है भाज्य, यह 3 कहलाता है भागफल और यह 2 कहलाता है शेष फल। अब एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, वह यह कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष फल। इसी फॉर्मूला पर हम सेट करते हैं। जैसे भाज्य को ए मान लिया जाता है और भाजक को बी मान लिया जाता है, भागफल को क्यू और शेषफल को आर मान लिया जाता है। तो इसी तरह से फॉर्मूला हो जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जब बहुपद के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको ऐसा भी लिख लिया जाता है, इसको मान लिया जाता है ए को पी ऑफ एक्स, इसको मान लिया जाता है जी ऑफ एक्स बी को, और क्यू को मान लिया जाता है क्यू ऑफ एक्स, और आर को मान लिया जाता है आर ऑफ एक्स। तो यह तीनों फॉर्मूला भले ही अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन मूल रूप से जब आप देखिएगा तो सबका वही एक ही कंसेप्ट है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो यह था हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकलता है। वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, अब उसको देखते हैं। यह एक तकनीक है जिससे हम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम अर्थात HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अभी आप देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम महत्तम ज्ञात कर सकते हैं, यह एक विधि है। इससे पहले हमने देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका डेट इज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत एक जैसा है, इसलिए लोग दोनों को प्रायः एक दूसरे के बदले यूज करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही प्रायः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है, क्योंकि दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, बहुत समानता है। अब हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित है, हम पहले उसको देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 में है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 135 और 225। अब जो है 135 और 225 का हमको बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से हमें 135 और 225 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अभी हम देखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, यह वेरी सिमिलर टू यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यह बहुत उसके जैसा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जैसा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान जीरो या जीरो से अधिक और बी से कम होता है, ये हम जानते हैं। अब यहां हमको ए और बी को चुनना है, तो सबसे पहले जिन दो संख्याओं का हमको महत्तम ज्ञात करना हो उसमें सबसे पहले हम बड़ी संख्या को चुनते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे हमको दो संख्याएं दी गई है 135 और 225, स्पष्ट है कि इसमें 225 बड़ी संख्या है 135 से, तो जो बड़ी संख्या होगा वह ए के जगह पर लिखाएगा, 225 ए का वैल्यू हो जाएगा, तो ए के जगह पर हम 225 लिख देते हैं और बी के जगह पर जो छोटी संख्या है वह लिख देते हैं। तो पहला स्टेप बहुत आसान है कि दो संख्याओं में जो बड़ी संख्या हो वह ए का वैल्यू हो जाएगा और जो छोटी संख्या है वह बी का वैल्यू हो जाएगा। अब हम 135 से 225 में भाग देते हैं, आप रफ में इसे दे सकते हैं, 135 से मैंने भाग दे दिया 225 में एक मरतबे 135, यह 90 आ जाएगा। अब यहाँ 135 से जब हम 225 में भाग दिए हैं तो आया है भागफल एक और शेषफल आया है 90। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 135 गुने एक प्लस आर शेष हो गया 90। तो अब ऐसा क्यों हुआ कि इसको हमने 135 गुने एक प्लस 90 लिखा, तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि एक फॉर्मूला हमने देखा था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि यह भाज्य है, यह भाजक है, यह भागफल है और यह शेषफल है, इसी फॉर्म में हम लिख देंगे। अगला स्टेप हम करेंगे, जो यहाँ भाजक था अब वह भाज्य हो जाएगा, अर्थात 135 पहले हम लिख देंगे, यह ए का वैल्यू हो जाएगा और यह शेष बी का, अर्थात यहाँ हम लिख देंगे 90। अब जो प्रक्रिया हमने यहाँ किया था वही प्रक्रिया बिल्कुल यहाँ करेंगे, अब 90 से हम भाग देंगे 135 में, रफ में आप भाग दे सकते हैं, 90 से जब 135 में भाग देंगे तो एक मरतबे 90 पाँच चार इतना आएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 90 गुने एक प्लस 45। अब अगला प्रोसेस यह तब तक करते जाएंगे जब तक कि शेषफल हमारा शून्य न बचे, तो बिल्कुल उसी तरह से जिससे हम भाग दिए थे अब वह भाज्य हो जाएगा, अर्थात 90 को पहले लिखेंगे और शेषफल को यहाँ बी के स्थान पर 45 से देखेंगे 90 में, तो स्पष्ट है कि दो मरतबे भाग लग जाएगा, 45 गुणे 90 बराबर हो जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाए वैसे ही इस प्रक्रिया को हम रोक देते हैं और अंतिम स्टेप में जिससे हम भाग देते हैं, जैसे अंतिम बार यहाँ हम भाग दिए थे 45 से 90 में, तो यह 45 ही जो होगा 135 और 225 का HCF अर्थात महत्तम होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 135 एंड 225 बराबर 45 और यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी दो संख्याओं का महत्तम हमको निकालना हो उससे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसी पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, अब इसी का हम अगला प्रश्न देखते हैं जो है 196 और 38,220। 196 और 38,220
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर b की प्लस r, जहां r का मान 0 या 0 से अधिक और b से कम। स्पष्ट है कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों में जो बड़ा होगा वो a का वैल्यू हो जाएगा, जो छोटा होगा वो b का। तो स्पष्ट है कि a का वैल्यू हो जाएगा 38,220 बराबर b का वैल्यू हो जाएगा 196। जब 196 से 38,220 में आप भाग दीजिएगा तो यह पूरा पूरा कट जाएगा 195 मात्र। मीन्स 196 में जब 195 से आप गुणा कीजिएगा तो 38,220 होगा। तो स्पष्ट है कि शेष बच जाएगा 0। तो यहाँ एक ही स्टेप में हमारा HCF निकल गया। मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही शेष 0 बचे वहीं पे स्टॉप कर देना है, और अंतिम स्टेप में जिससे हम भाग देते हैं वही दोनों का HCF होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अंतिम स्टेप में हमने 196 से 38,220 में भाग दिया, इसलिए HCF ऑफ 196 और 38,220 का मान हो जाएगा 196। ये इसका सेकंड आंसर हो गया। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे हैं, 867 और 255। यहाँ 867 बड़ा है और 255 छोटा है, तो 867 ए के जगह पर आ जाएगा और बी के जगह पर आ जाएगा 255। अब हम 255 से 867 में भाग देते हैं, आप रफ में दे सकते हैं। 255 से जब हम 867 में भाग देंगे तो तीन मरतबे लगेगा, 765 आ जाएगा। इसको आप घटा देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, आप पहले ही जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ भाजक हो गया 255 गुने भागफल 3 और जोड़ शेषफल आ गया 102। अभी शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए हमें आगे का प्रोसेस करना होगा। अब हम 255 को यहाँ ए के स्थान पर लिखेंगे और बी के स्थान पर लिखेंगे 102, और वही प्रक्रिया पुनः करेंगे। 102 से जब हम 255 में भाग देंगे तो दो मरतबे लगेगा, 204 हो जाएगा, तो शेष बच जाएगा इसका 51। नेक्स्ट प्रोसेस उसी तरह करते हैं, 102 को यहाँ लिखते हैं और अब हम लिखते हैं 51। 51 से 102 दो मरतबे पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो शेषफल बचेगा 0। जैसे ही शेषफल 0 बचा हम स्टॉप कर देते हैं और लिख देते हैं HCF ऑफ 867 और 255 बराबर हो जाएगा 51। यह हमारा यह आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 1.1 का यह पहला क्वेश्चन था जिसमें तीन क्वेश्चन दिए हुए थे, तीनों क्वेश्चन को आपने देखा। अब हम फोकस करते हैं उन प्रश्नों पर जो बिहार सरकार द्वारा डीडी बिहार चैनल पर चलाया जा रहा है प्रतिदिन 11 बजे से। तो उनमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं फोकस उन प्रश्नों पर भी रहेगा, और उन प्रश्नों में जो पूछे गए हैं प्रश्न इस पर आधारित उसको भी मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग मिलाएंगे। और कई बार मैं पहले भी बोल चुका कि प्रतिदिन आप वो जो टीवी पर आ रहा है उसको आप देखेंगे निश्चित रूप से। सभी लोग टीवी पर जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से पहला प्रश्न है कि 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है 135 और 225 का पूछ रहा है, जो किताब का भी पहला क्वेश्चन है, तो उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसको छोड़ के दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है 52 और 65 और 65 का हमको यह दूसरा जो टीवी पर पूछा है 52 और 65, इसका अब हम निकालते हैं सीएफ। बिल्कुल यह लाइन कॉमन सब में रहेगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 65 और बी का वैल्यू हो जाएगा 52। 52 से जब 65 में हम भाग देंगे तो एक मरतबे लगेगा और शेष फल आ जाएगा 13। अब 52 को हम पहले लिख देते हैं और 13 को बराबर के बाद 13 से 52 में भाग देंगे, चार मरतबे लग जाएगा, 13 चौका 52 बराबर आ गया, तो शेषफल बच जाएगा 0। बस यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे और इसको हम लिखेंगे HCF ऑफ 52
एंड 65 इज इक्वल टू 13, यह 83 हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा, इसका 35। अब हम तीसरा प्रश्न हमको निकालना है CF 235 और 329 का, इन दोनों में 329 बड़ा है इसको हम पहले लिखते हैं और 235 छोटा है इसको हम बराबर के बाद लिखते हैं। 235 से जब 329 में भाग दीजिएगा तो एक मतलब यह लगेगा 235 शेष फल के रूप में आ जाएगा 94। अब 235 को हम पहले लिख देते हैं और 94 को हम बाद में लिखते हैं। 94 से जब 235 में आप भाग देंगे तो दो मर्तबे लगेगा और शेष फल आ जाएगा 47। आप इसे रफ में करके देख सकते हैं भाग, और पुनः 94 को पहले लिखेंगे और 47 को बाद में लिख के 47 से 94 में भाग देंगे तो यह दो मर्तबे 94 आ जाएगा, तो शेष बच जाएगा 0। जैसे ही शेष 0 बचा इसको स्टॉप कर देते हैं, यही इसका हो जाएगा एच सी एफ ऑफ 235 एंड 329 इज इक्वल टू 47। तो यह इसका आंसर हो गया तीसरे प्रश्न का। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है हमको 116 और 156, 116 और 156 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो ए का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 156, बी का वैल्यू हो जाएगा 116 से जब 156 में हम भाग देंगे तो एक मर्तबे लगेगा और शेष बच जाएगा हमारा 40। अब इस 116 को हम पहले लिख देंगे, 40 को बाद में, 40 से भाग देंगे तो यह दो मर्तबे लग जाएगा, तो 40 गुना 80 तो शेष फल बच गया 36। अब इस 40 को हम पहले लिखेंगे और 36 को बाद में, 36 से भाग देंगे तो एक मर्तबे लगेगा, शेष फल आ जाएगा 4। अब हम 36 को पहले लिखेंगे, 4 को बाद में, 4 से 36 में भाग देंगे 9 मर्तबे आ जाएगा, शेष फल बच जाएगा 0। बस जैसे ही शेष फल 0 बचा इसको स्टॉप कर देंगे। अंतिम बार भाग मैंने 4 से दिया था इसलिए एच सी एफ ऑफ 116 और 156 का महत्तम हो जाएगा 4 और यह इसका आंसर हो जाएगा। तो यह चौथा प्रश्न था। अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है 100 और 1000 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ए का मान हो जाएगा यहाँ 1000 बराबर बी का मान हो जाएगा 100। 100 से जब हम 1000 में भाग देंगे तो 10 मतलब यह लग जाएगा, शेष फल बच जाएगा 0। एक ही स्टेप में हमारा एचसीएफ इसका निकल गया, इसलिए एचसीएफ ऑफ 100 एंड 1000 इज इक्वल टू 100। तो ये पांचों क्वेश्चन टीवी पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम में पूछे गए थे जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है, आप सभी इसको मिलाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे की चर्चा होगी। इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेंगे और बेल आइकॉन भी दबा देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो पता चले, और मैक्सिमम लोगों को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ मिले लोगों को। थैंक्स।